सबों को जय यीशु। तो आज हम लोग अपना बगान आए हैं, देखिए हम लोग का बगान में क्या क्या लगा हुआ है। हम लोग इसमें लहसुन डाले हैं, यहाँ लहसुन है, फिर उधर में आलू है, प्याज है, फिर सहेब सेम है, फिर इधर में मटर है। वैसे हम लोग अपना किचन के लिए, किचन गार्डन की तरह थोड़ा थोड़ा सब्जी डालते हैं। ये देखिए, ये है आलू, इधर है, अरे यार क्या है पता नहीं, तो ये लहसुन है, इधर भी लहसुन है, इधर भी लहसुन है, वहाँ पर तो वो आलू है, इधर सारा लहसुन है, उधर देख सकते हैं उधर में मटर है। तो मौसी लोग आई है, मौसा मौसी दीदी और बच्चे लोग आए हैं। आइए हम एक स्टोरी आप लोगों को बताते हैं, सच्ची कहानी आप लोगों को बतलाते हैं। ये जो कुआं है, इस कुआं में मेरे चाचा की मृत्यु हुई थी। इस कुएं में देख सकते हैं इतना खतरनाक कुआं है। 24 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हुई थी इस कुएं में, और उनका डेड बॉडी मिला था 26 अक्टूबर। यहाँ पर उनका डेड बॉडी एकदम उठ गया था ऊपर, तो कोई बगल गांव के कोई चाचू लगते हैं, चाचा लगता है रिश्ता में, वैसे टहलने आए थे तो कुआं देखने के लिए आए। जब देख रहे हैं तो इसके अंदर डेड बॉडी, हम लोग को सूचित किया गया कि आप लोग के कुआं में किसी का डेड बॉडी है। तो हम लोग, फिर हम तो नहीं थे, हम स्कूल तरफ से कहीं टूर गए हुए थे, तो फिर यहाँ पर उनका डेड बॉडी निकाला गया। उसके बाद कुछ साल बाद यहाँ पर वे जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ में मेरे जो बड़े पापा हैं, एक थे बड़े पापा, वे संडे के दिन में ही वो लकड़ी काटने आए थे। लकड़ी काटते काटते पता नहीं कैसे क्या हुआ, और वो ऊपर से यहाँ नीचे गिर गए, इस जगह वहाँ नीचे गिर गए, और वहीं से उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका, उनको भी मतलब संडे को कोई देखा नहीं था, फिर मंडे को भी, तो फिर देखा कि ऐसे पड़ा हुआ है नीचे में, फिर देखे कि सामने जाके तो उनका तो सांस ही नहीं चल रहा था। मंडे को पता चला, मतलब मंडे को वो देखे डेड बॉडी, फिर मंडे को उनका डेड बॉडी घर लिया गया। तो ऐसी स्टोरी है हमारे इस बारी का, हॉरर हॉरर। लेकिन आज तक वैसे कुछ हलचल नहीं हुआ है भूत प्रेत वाला, कुछ डर का कोई बात नहीं है यहाँ पर, ऐसे कुछ हुआ नहीं है। जैसे होता है ना, डरवाता है थोड़ा, अपना रहने का संकेत देता है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है आज तक। तो 2014 में हुआ था डेथ चाचू का, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिर बड़े पापा का भी हुआ था, ऐसा कुछ पता नहीं चला है। तो चलिए हम अब आपको दिखाते हैं मेरे घर परिवार के लोगों को, जो लोग मटर तोड़ रहे हैं। क्या कर रहा है बेटा बाबू? आदित्य क्या करना है, क्या करना है? नहीं बोलता है ले। ये देखिए हमारे बच्चे, ये बच्चे लोग, ये बाबू बात कर नहीं सकता है, छोटा बच्चा है ना, ना बाबू? हाँ मटर तोड़ रहे मौसी, बोलो बेटा। मटर तोड़ है, ओ बोले सकता है ले, बोले सकता है बाबू। देख सकते हैं जीजा जी तोड़ कमरे खा ज्यादा रहे हैं। मोटा है क्या? मोटा इसलिए तो मोटा है बोल रही है। ये मटर है, इधर गोभी है, इधर क्या करना है बाबू? क्या करना है? मटर तोड़ने, इधर देख के बोलो। मटर करना है। ओ क्या करना है मियाँ? मटर तोड़ने। ओ यूट्यूबर? हाँ आज अब हम लोग के पापा भी अपना यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं। अपना चैनल का नाम बताइए पापा। क्या बोले थे? भूल गए। एक्स आर्मी मैन इमिल खलखो करके चैनल होगा पापा का, जो अभी आर्मी मैन से रिटायर हो गए हैं ना, तो रिटायरमेंट के बाद थोड़ा पापा खेती बाड़ी करते हैं, यही सबको लगाते हैं, तो वही सबको पापा जी दिखाएंगे ना पापा। तो क्या बोलना चाहिएगा?
भी सोचेंगे बाद में बताएंगे अगला चैनल में मतलब सपोर्ट करने नहीं बोलिएगा सपोर्ट कीजिएगा हाँ